हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सीजर फरकार्स और सामने अपने पास भाई ऑफ रोडिंग का जो जिनको क्रेज रहता है उनके लिए गाड़ी मारुति जिमनी, जैसे कि आपको पता है ये ऑफ रोडिंग के लिए प्रॉपर आपको बढ़िया बढ़िया से बढ़िया मजा देती है कम से कम प्राइस में। लेकिन बहुत लोगों का कंसर्न रहता था कि भाई अब 15 लाख में जिमनी लेंगे तो फिर थार किस प्राइस में लेंगे, बोलो उससे अच्छा थार नहीं ले लेंगे इस 4x4 वो भी 3-4 लाख और एक्स्ट्रा मिला के। लेकिन भाई अब बता दो, लेकिन मारुति की तरफ से अब आपको मिलने वाला तगड़ा डिस्काउंट। जैसे कि अभी बीच में बहुत लोग का कंसर्न था कि हमने ये वाला जो डिस्काउंट वो ग्रैब नहीं कर पाया, अब आपको मौका फिर से दोबारा मारुति दे रही है। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 3 लाख तक का डिस्काउंट वो आपको दे रही है इस मारुति जिमनी में। वो कैसे आज के वीडियो में टोटल समझने वाले हैं। ये अपने पास है जेटा वेरिएंट, सेकंड टॉप मॉडल है ये। और जैसे कि आपको पता है दो ही वेरिएंट आता है, जेटा और अल्फा, ऑटोमेटिक मैनुअल जो भी आपको मिलता है वैसे आप देख सकते हैं। तो ये बेस वेरिएंट है, जैसे कि आपको पता है बेस वेरिएंट में अलॉय व्हील आपको ऐसा कुछ मिल जाता है और टॉप मॉडल में आपको बढ़िया सा डायमंड कट वाला अलॉय व्हील प्रॉपर वाला मिलता है। इसमें आपको जो टायर साइज जो मिलेगा 195/80 R15 इंच का इसमें आपको दिया जाता है। और टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको बढ़िया से अलॉय व्हील का डिज़ाइन बदल जाएगा, फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ गाड़ी का जो लुक है ना, बहुत लोग का कंसर्न था कि यार हम लोग इस गाड़ी को क्यों कंसिडर करें, जब 15 लाख की गाड़ी आ रही है तो हम उससे अच्छा थार ना ले लें। तो भाइयों आपको बता दूं, ये जो कैपेबिलिटीज रखती है इन दिस सेगमेंट, इसका जो स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू थार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद लगा और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया इसको ड्राइव करने में। ऑल ग्रिप के साथ आती है और बढ़िया सा 4x4 मैनुअल एंगेजिंग लीवर मिलता है आपको यहाँ पे, ऐसा कुछ देख सकते हैं। चारों पावर विंडो मिलेगा, टॉप मॉडल में जाएंगे तो पुश स्टार्ट सॉफ्ट बटन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको लेदर स्टेयरिंग मिल जाएगा, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। ये मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं टॉप मॉडल में। अलॉय व्हील मिल जाएगा, सामने अगर बात करें प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा, वॉशर मिल जाएगा और ग्रिल पैटर्न जो है वही आपको मिलेगा टॉप मॉडल की अगर बात करें तो। और एंटीना वगैरह जो है यहाँ पे जो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा एंटीना दिया जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 210 लीटर का कुछ यहाँ पे आपको बूट स्पेस ऐसा कुछ मिल जाता है। बड़ी तरीके से बूट लैंप यहाँ पे आपको दिया जाता है, 12 का 4300 कट मिलेगा, 60/40 नहीं 50/50 यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिया जाता है। ये हमने देखा ओवरऑल जिमनी का रिव्यू। अब बात करें भाई ये डिस्काउंट कैसे ग्रैब कर सकते हैं, 3 लाख तक का डिस्काउंट इसमें आपको मिलेगा वो कैसे। जैसे कि आपको देखो 1.5 लाख तक का तो कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन 1.5 लाख का और जैसे कि आप जो भी डीलरशिप से ले रहे हैं वहाँ से अगर आप फाइनेंस वगैरह कराते हैं और बेहतर तरीके से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और थोड़े अपने साइड से एज अ कंज्यूमर पॉइंट से अपना कुछ पॉइंट वगैरह रखते हैं तो उसके ऊपर का भी बात बन सकता है। भाई अब इस गाड़ी को कंसिडर क्यों करना चाहिए, देखो भाई ये इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 12,74,000 रुपये इसके एक्स शोरूम प्राइस में मिलती है। ऑन रोड आते आते ये 13-14 का पड़ जाता है, जेटा वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। और टॉप मॉडल की बात करें तो 15-16 लाख तक भी जाता है, 15.5 लाख तक तो जाता ही है। लेकिन अब सभी वेरिएंट्स में, दोनों ही वेरिएंट्स में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आपको आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ग्रैब करते हैं उसे। मेन जो मैं आपको बता रहा था 12,74,000 के एक्स शोरूम प्राइस में जो आती है, 13 लाख ऑन रोड, मोटा मोटा 10 लाख रुपीस में ये आपको ऑन रोड ऐसे देखें तो आपको पड़ने वाली है 4x4 जिमनी मैनुअल। और ये आपको ऐसा कुछ जेटा वेरिएंट मिलने वाला है जो कि फीचर्स तो ऐसा कुछ कमी नहीं है, सारे यूजेबल फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। और टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिल जाएगा, कीलेस एंट्री वगैरह मिल जाएगा और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। मेन जो इसका USP है ना, इसका जो बॉडी रोल, यार मेरे को इसमें ना बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है जब मैं अंदर बैठता हूँ। भले आप बोलोगे सेफ्टी नहीं है गाड़ी में वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें आपको जो बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं मिलता, एकदम ना के बराबर जो मिलता है उसी से आपको इस गाड़ी को चलाने में मज़ा भी आता है, भरोसा भी बनता है और आपको वो फील भी मिलता है जो आपको ऑफ रोडिंग गाड़ी में चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा ओवरऑल गाड़ी का आउटलुक साइड लुक। अब इसमें आपको क्या इंजन स्पेक्स मिल रहा है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको ऑटोमेटिक में जाएंगे तो 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल में जाएंगे तो आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। तो भाई अब चलते मेन गाड़ी के इंजन स्पेक्स की ओर। और इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड K15B सीरीज का इंजन आपको मिलने वाला है इसमें, और जो कि निकालता है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ओहो हो,
चलो ऐसी बता देता हूँ, 135 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देगा। माइलेज की बात करें जो कंपनी क्लेम करती है 16 तक का क्लेम करती है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये 10 से 12 आपको एवरेज निकाल के देगा, और प्यार से चलाओगे तो 13 तक भी 15 तक भी ये दे देगा। उससे ज़्यादा आप इसे निकाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं आप, और उससे कम आप निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेटर माइलेज ठीक ठाक जो है एक्चुअल जो है वो आपको निकाल के दे रही है। भाई ऑफ रोडिंग गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर ये आपको बढ़िया सा प्रोवाइड करती है, काफ़ी मज़ेदार मिलता है यार इसमें चलाने में, जो कॉन्फिडेंस आता है ना बहुत मज़ा आता है। छोटी की छोटी गाड़ी, व्हील बेस की बात करें 2590 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। रियर में भी उतना ऐसा दिक्कत नहीं होगा, अगर ज़्यादा लोग बैठते हैं तो एडल्ट्स में दिक्कत हो सकता है, अगर बच्चे के साथ अगर बैठते हैं, एक बच्चा या दो एडल्ट्स बैठते हैं तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हेडरूम की बात करें, इसमें आपको हेडरूम का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा अंटीलन अनलेस आपका हाइट जो है 6 फुट के ऊपर ना हो। ठीक है, ये हमने देखा ओवरऑल गाड़ी का। डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट कैसा लगा आपको, 3 लाख तक का डिस्काउंट देख सकते हैं आपको, 210 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, जो कि इस गाड़ी को बढ़िया कैपेबल ऑफ रोडिंग गाड़ी बनाता है। ठीक है, इसका मेन जो ऑफ रोडिंग का पर्पस है ना, बहुत लोगों को अब तक भी समझ नहीं आया कि यार इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग कैसे किया जा सकता है। इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग ऐसे किया जा सकता है कि आप इसको बढ़िया सा लो ऑफ रोडिंग में लेके जाओ, तब इसको आप एक्चुअल में बढ़िया से समझ पाओगे। अभी तक आपने ऑफ रोडिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी मैंने दे रखा है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और उसमें आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं ऑफ रोडिंग वाला वीडियो। पूरा फुल जो इवेंट हुआ था वो पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपको दे रखा है, ओनरशिप रिव्यू भी दे रखा है, तो हर एक तरीके से आपको इस गाड़ी का बढ़िया तरीके से मिलने वाला है फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो। तो ये हमने देखा ओवरऑल मारुति जिम्नी का 3 लाख तक का डिस्काउंट, ग्रैब करोगे या नहीं करोगे एक बार मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में, कैसा लगा मारुति की तरफ से डिस्काउंट ये आप देख सकते हैं। भाई कुछ भी बोलो, चलाने में गाड़ी का तो मज़ा तो आता है यार, लेकिन ऐसे रोड में चलाओगे तो आपको एक्चुअल पता चलेगा। मेन रोड में तो देखो सबको ही चलाता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोड में चलाओगे तो आपको दोनों ही मज़ा मिलेगा। थोड़ा सा अगर बोलूंगा इसमें आपको थोड़ा सा स्टेरिंग वगैरह टाइट मिलता है, वो आपको फील नहीं आएगा कि आप एक कार चला रहे हो, थोड़ा सा ऑफरोडिंग वाला मजा भी तो चाहिए आपको हर तरीके से, तो वो आपको हर चीज़ कैसे परफेक्टली मिल पाएगा इस गाड़ी में बताओ। हर एक चीज़ देखो परफेक्ट नहीं होता कोई भी गाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने टेस्ट को उस हिसाब से ढालना पड़ता है। अगर अपने को कहीं 19-20 अगर मिल रहा है तो उसको कंसिडर करना पड़ता है, जिस वजह से आपको एक्चुअल में टेस्ट बैठ पाएगा और काफ़ी मज़ा आ पाएगा। तो ये अपना रहा, और ऐसा कुछ फुल मज़ा आ रहा, 4x4 अभी लगाया नहीं हूँ और लगाने का सेंस नहीं है ना, इतना ही ऑफ रोडिंग में क्या ही लगाओगे अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग ना हो तब। तो ये ऐसा कुछ आपको मिलता है जिम्नी का ड्राइव मज़ा। और यहाँ से अपन लेते हैं टर्न। पावर वाइज तो यार ऐसा कोई कमी लगा नहीं मेरे को लैग वैग का, और इसमें आपको बढ़िया से बढ़िया पावर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही 1.5 लीटर का जो कि आपको ग्रैंड विटारा वगैरह में, सियाज वगैरह में मिलता है इंजन, वही आपको दिया गया, बस ट्विनिंग का यहाँ पे आपको फ़र्क मिलता है। और ट्विनिंग में भी देखो ऐसा नहीं कि पूरा वही इंजन बैठा दिया गया, थोड़ा बहुत उसमें काम किया गया, क्योंकि ऑफ रोडिंग वगैरह बढ़िया से आपको करना पड़ता है, तो उस वजह से कैपेबल बनाया जाता है इंजन को भी। मेन तो इंजन है ना, और बाकी बॉडी तो है, लेकिन मेजर जो रोल प्ले करता है ऑफ रोडिंग में इंजन का पावर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखता है। और विजिबिलिटी की बात करें ठीक है, हर तरीके से आपको दिखता, कोई भी दिक्कत नहीं, पूरा हुड दिख रहा है देख सकते हैं आप आपको, और वही आपको कॉन्फिडेंट फील करा के देगा। और ये ऐसा नहीं है कि 2023 मॉडल आपको चिपका दे रहे हैं डिस्काउंट के साथ, ये आपको 2024 मेकिंग के साथ ही आपको मिलेगा, जो भी आप जिम्नी लेंगे लेटेस्ट वाले प्राइस में आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।